आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा एम में देखिए आ, जो है फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज की सीरीज़ है इसमें जो है हमने टू एटी तक एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए आज की वीडियो में जो है टू एटी वन से एमसीक्यूज इसमें हम डिस्कस करेंगे ओके okay? और ये जो एमसीक्यूज सी आपके सभी फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एमपी में आपका का एग्जाम है हरियाणा का है और बाकी उड़ीसा महाराष्ट्र ठीक है जितने भी आपके ई एस आई सी आर बी आर आर बी जितने भी आपके फार्मा कॉम्पिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रपरेशन कर रहे हैं चैनल पर नए हैं आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके क्वेश्चन है देखिए एस्प्रिन इज डैश डेरिवेटिव ठीक है तो एस्प्रिन है ये कौन सा डेरिवेटिव है मतलब कि कौन सी रिंग इसमें प्रेजेंट है देखिए पैराजोलिडीन डाई ऑन एंथ्रानीलिक एसिड सलीसलीसिड पैरामिनोफिनोल सिंपल आपका जो एनसेट्स का क्लासिफिकेशन है वहाँ से क्वेश्चन है ठीक है तो बहुत सी वीडियोज़ में मैंने क्लासीफिकेशन आपको एनसेट्स का कराया हुआ है ओके तो आपका जो एस्प्रिन होता है ये क्या होता है सेलिसलिक एसिड डेरिवेटिव होता है ओके तो आपका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी सेलिसिक एसिड डेरिवेटिव में आपका आता है एस्प्रिन एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपका मिफनेमिक एसिड आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिफनेमिक एसिड क्या है एंथ्रानिलिक एसिड डेरीवेटिव होता है पैरामिनोफिनोल डेरीवेटिव आपका कौन सा होता है बताइए पैरासीटामोल एसिटामिनोफन भी बोलते हैं इसको ड्रग एक्टिंग इनसाइड द सेल आर कैटिकोलमिन ओके डिजिटालिस पेनिसिलिन एंटी मेलिग्नेंट ठीक है तो ये होती है आपके एंटी मेलिग्नेंट ड्रग जिनको एंटी कैंसर ड्रग भी बोलते हैं एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी बोलते हैं कितने से तक केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन एस्प्रिन का केमिकल नेम पूछा है एस्टाइल सेलिसलिक एसिड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एस्प्रिन क्या होता है एसिटाइल सेलिसलिक एसिड इज एस्प्रिन ठीक है तो एस्प्रिन जो होता है इसकी ये क्या होता है बॉडी में जाके इसकी हाइड्रोलिसिस होती है क्या होती है हाइड्रोलिस ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि एस्प्रिन जो होता है सेलिसलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये कन्वर्जन होता है तो ये हाइड्रोलिसिस होती है एस्प्रिन की और जो है सेलिसलिक एसिड बनता है बॉडी में ओके तो एस्प्रिन जो होता है ये एसिटाइल सेलिसलिक एसिड डेरीवेटिव होता है आपका एस्प्रिन ओके सोडियम सेलिसलेट दिया बाकी ऑप्शन में एसिटामिनोफन जो आपका पैरासिटामोल होता है बाकी पैरासिटामिनोफन दिया है नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है आयोडीन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ तो आयोडीन किसका कॉम्पोनेंट है थायरोयड हार्मोन एड्रीनल हार्मोन पेनक्रिएटिक जूस है पिट्यूटरी हार्मोन तो आयोडीन जो होता है थायरोयड हार्मोन्स जो होते हैं ना उनका कॉम्पोनेंट होता है जो आप थारॉयड ग्लैंड के हार्मोन टी थ्री टी फोर पढ़ते ना तो टी थ्री में तीन आयोडीन टी ती फोर में चार होते हैं नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहलेशनल अनस्थैटिक ओके तो जनरल अनस्थैटिक्स की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है इनहलेशनल अनस्थैटिक्स होते हैं और आपके इंटरावीनस अनस्थैटिक्स होते हैं इंटरावीनस तो so, इसमें बताना है कौन सा क्या है इनहेलेशनल अनस्स्थैटिक है देखिए कीटामिन जो है डिसोसिएटिव अनस्थीसिया प्रोड्यूस कराता है है ना तो ये इंटरावीनस में आता है हेलोथेन आपका हो जाएगा इनहेलेशन अनस्थैटिक्स में हेलोथेन आता है बाकी प्रोपोफोल होता है था सोडियम ये भी इंटरावीनस में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इम्प्लाइड बाय वट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो आपने बताना एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी कंजप्शन नहीं होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है गलत हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू ए मेम्ब्रेन यूजिंग डिफ्यूजन एंड गल्फ ऑफ ड्रग बाय सेल मेम्ब्रेन विद ए न्यू वेसिकल फॉर्मेशन ये भी नहीं होता ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडेंट होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्ट जो होता है ड्रग का क्या होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन तो इनमें से जो है ड्रग एक्सक्रीशन का रूट कौन सा नहीं है देखिए लंग्स स्टमक किडनी या स्किन तो स्टमक जो है ये कोई भी एक्सक्रीशन का रूट नहीं है आंसर इज ऑप्शन बी बी सी जी वैक्सीन इज यूज टू तो प्रोटेक्ट अगे, अगेंस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन है बी सी जी तो बी सी जी लाइव अटीनिवेटेड बी से बी सी जी बी से बैक्टीरिया लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होती है बैसिलस बसिलसमिन इसका फुल फॉर्म होता है और कौन सी डिजीज को की प्रिवेंशन के लिए मतलब कि किसके प्रोटेक्ट करने के लिए देते हैं तो ट्यूबरकोसिस के अगेंस्ट दी जाती है बी वैक्सीन ओके okay? तो ट्यूबरकोसिस की प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये बी वैक्सीन दिया जाता है इंटराडर्मल रूट से देते हैं इसको ओके okay, बैक्टीरियल होती है लाइव अटीन्यूवेटेड होती है वह चौदह फॉलो डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंट्रल रूट ठीक है कोई भी ड्रग जब पेरेंट्रल रूट से देते हैं तो कौन से इसके डिसएडवांटेजेस हैं देखिए रैपिड एक्शन आता है तो ये तो डिसएडवांटेज नहीं एडवांटेज में आएगा कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट्स बिल्कुल सही बात है अनकॉन्शियस पेशेंट्स को दे सकते हैं बट दिस इज़ नॉट डिसएडवांटेज एडवांटेज में आएगा ड्रग एब्जॉर्बशन गट इज़ बाय पास पेनफुल ठीक है तो आपका जो एडवांटेज हो जाएगा ये इनकनवीनियंट और पेनफुल होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन रिक्वायर स्टोरेज टेम्परेचर वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर बहुत बार पूछते हैं टू टू एट डिग्री सेल्सियस होता है इन नाइनटीन फोर्टी टू टर्म एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय तो एंटीबायोटिक की टर्म को फर्स्ट कॉइन किया था ऑप्शन ए सैलमैन वेक्समैन ने नेक्स्ट क्वेश्चन एंटी कैंसर ड्रग इज मेड फ्रॉम प्लांट ओरिजिन कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो प्लांट से ओरिजिनेट हो रही है मिथोट्रिकजेड प्रोकार्बाजिन विनक्रिस्टिन डेक्टिनोमाइसिन तो ये आपकी विनक्रिस्टिन होती है विनक्रिस्टिन जो किस में आती है किससे ऑप्टेन होती है विनका से विनका अलक्लोइ जो पढ़ते हैं आप इंडोल अलक्लोइ में आता है उससे विनक्रिस्टिन ऑप्टिन होते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फेट इज़ यूज टू ट्रीट एनीमिया वॉमिटिंग डायरिया या एसिडिटी तो एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे फ़ेरासल्फ़ेट जैसे आइस्टोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन कंटेंट डैश एन तो ये होता है एन का पॉइंट नाइन जो परसेंट होता है ना एन का पॉइंट नाइन परसेंट होता है वेट पर वॉल्यूम है ना तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉइंट नाइन परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड फ्राम तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रेट होता है देखिए ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रेसिन ठीक है एंटी डायोरेटिक हॉमोन जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन को और ये ऑक्सीटोसिन दोनों के दोनों कहाँ से सिक्रेट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ओके तो आपसे बिल्कुल सिंपल पूछा है, है ना आपसे पूछा कि सिंपल दिया हुआ आपको तो पु... पिचुट्री ही लिखा हुआ है बाकी इसकी लोब के बारे में लिखा हुआ तो सिंपली जो है ये पिचुट्री से सिक्रेट होता है ऑप्शन ए राइट हो जगह पिचुट्री में पिचुट्री की जो पोस्टीरियर लू लो जो होते पोस्टीरियर लोप से लूप से ही सिक्रेट होता है ओके तो आपका जो जो ये है क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन सिगरेट तो पोस्टीरियर लोब से बाकी थाइमस दिया है थायरोडाइड्रीनल दिया है आपको ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट है टाइप टू डायबिटीज इज कोल्ड टाइप टू डायबिटीज़ को क्या बोलते हैं गैस्टेशनल डायबिटीज़ आई डी डी एम या एन आई डी डी एम सेकेंडरी डायबिटीज़ ठीक है तो आई डी डी एम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मलिटियस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मलिटियस ये है इनके मतलब आई डी डी एम नॉन एन आई डी डी एम टाइप टू डायबिटीज़ जो होता है वो कौन सा होता है तो वो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलटस और टाइप वन होता है वो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मलीटस होता है ओके देखिए लिखा हुआ टाइप वन को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मलेटस इसको जुमिनाइल ऑनसर डायबिटिस मलेटस भी बोलते हैं टाइप टू होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलेटिस होता है इसको मेजोरिटी ऑनसर डायबिटिस मलेटस भी बोलते हैं नेक्स्ट तो है क्लिनिकली यूज ओरल एंटी तो एंटी के सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है औरल एंटी कोगुलेंट में कौन सी जगह आती है एसिनो कोमेरोल इनोक्सापेरन टिनजा पेरन ही पैरिन ही पेरिन पले पेरेंटल में आता है और ये जो इनोक्सापेरिन टिंजा पेरन ये भी लो मोलिकुलर वेट ही पेरेंस होते हैं ना तो आपका एसिनो आ जाएगा जो आपका किस में आता है में आता है ठीक है ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है कि पेरेंट्रल में आपका जो हिपेरेंट्र एंटीक्गुलेंट है उसमें हिपेरिन में लो मोलिकुलर वेट हिपेरिनपेरिनॉइड्स ही ही में ही हिपेन्सलफेट डेनापेरॉइड्स लैपेरोडिन एनक्रोड आते हैं फिर ओरल एंटीक्गुलेंट्स और इसमें जिसमें आपकी कोमेरिन डेरिवेटिव आते हैं इसमें आपका जैसे वोफेन होता है ना कोमेरिन आ गया सोडियम सोड़े कोमेरोल इथाइल इंडेन डायोन डेरीवेटिव में आपका फिन डायोन आता है ओके द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमीन ऑटोकोइड्स अमीन ऑटोकोइड्स में कौन सा आता है एंजियोटेंसिन प्रोस्टाग्लैंडिन सीरोटोनिन या ब्रेडिकाइनिन तो देखिए सीरोटोनिन जो होता है ना ये आपका अमीन ऑटोकोइड में आ जाएगा ऑप्शन थ्री राइट हो जाएगा बाकी देखिए अमीन ऑटोकोइड्स में आता है हिस्टामिन और सीरोटोनिन लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन न्यूकोट्राइन प्लेटेड एक्टिवेटिंग फैक्टर और पैप्टाइड ऑटोकोइड्स में आते हैं आपके क्या प्लाज्मा काइनिन में और एंजियोटेंसिन ठीक है तो ये भी ये भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी आपसे अमीन का पूछा हुआ था है ना एक एग्ज़ाम में ना आपका ये आया हुआ था कौन सा ये ब्रैडिकाइनिन वाला भी पूछा हुआ है प्लाज्मा काइनिन प्रोस्टाग्लैंडिन भी आया हुआ एग्जाम में लिपिड डिरावोटोकोइ्स तो में आता है तो इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना है ओके क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है एमेटिक्स स्टिमुलेट तो एमेटिक्स जो होते हैं किसको स्टिमुलेट करते हैं तो वो सी टी जेड जो होता है कि ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट कराते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द इज अ मेमेलियन एंटी डायबिटिक हॉर्मोन जो होता है वो एट एर्जिनिन वैसोप्रेसिन होता है आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू एट एर्जिनिन वैसोप्रेसिन ओके okay? अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं आपका क्वेश्चन है डोट्स थेरेपी वाज लॉन्च इंडिया इन नाइनटीन नाइन्टी नाइन नाइनटीन नाइन्टी सेवन नाइन्टी फाइव नाइन्टी फोर इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इस लाइक करना शेयर करना चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना ओके थैंक यू